75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्णिया में सबसे बड़ा आयोजन पूर्णिया के स्टेडियम में हुआ है और प्रतिवर्ष भी होता रहता है, लेकिन इस वर्ष खास बात यह है कि इस मर्तबा कई ऐसे आयोजन किए गए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। खासतौर से मैं बता दूं कि पूर्णिया कमिश्नर यहां अभी झंडा फहराने वाले हैं और उनके बाद जो प्रोग्राम होगा वो किस तरह का होगा वो आपको हम सीधे तौर पर कोसी आलोक न्यूज के माध्यम से दिखाएंगे। मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि बैलून उड़ा के जोरदार ताली। कदम से कदम मिलाते हुए सभी प्लाटून सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए परिचारी श्री बचन कुमार जी, द्वितीय परेड कमांडर परिचारी सुरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में पहला प्लाटून सलामी मंच के पास से बढ़ते हुए है क्षेत्रीय दंगा रिजर्व बीएसपी परिचारी है विकास कुमार जी। दूसरा प्लाटून जिला सशस्त्र बल पीटी 2 परिचारी पप्पू कुमार जी 18 जवानों के साथ। तीसरा प्लाटून जिला सशस्त्र बल 3 परिचारी प्रिया कुमारी जी। चौथा प्लाटून जिला महिला सशस्त्र बल परिचारी अंकिता कुमारी 18 महिला जवानों के साथ सलामी मंच से गुजरते हुए। छठा गृह रक्षा वाहिनी जिनका नेतृत्व कर रहे हैं अवैतनिक जयप्रकाश यादव जी 18 जवानों के साथ। मोहम्मद समीम के नेतृत्व में एनसीसी जिला स्कूल पूर्णिया 18 कैडर के साथ। और एनसीसी बीबीएम हाई स्कूल पूर्णिया से राज आनंद जी नेतृत्व कर रहे हैं 18 कैडर के साथ सलामी मंच से बढ़ के आगे से बढ़ते हुए। साथ ही जिला चावल वाहन है चालक विनोद कुमार जी और बैंड का कमांड करके साक्षी प्रिया बालक का उच्च विद्यालय सभी पदाधिकारीगण हमारे सहयोगी कर्मी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी जिलेवासी एवं मीडिया के बंधुओं, सर्वप्रथम सभी उपस्थित अतिथियों एवं जिलेवासियों को मैं नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन
सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस हर एक वर्ष मनाते हैं। आज का दिन अवसर है उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का जिन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज के दिन हम उन महान विभूतियों को भी याद करते हैं, विशेषतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसा संविधान दिया जो 75 वर्षों बाद भी हमारे नीति निर्धारकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है। आजादी के बाद हम भारतवासियों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की है। आज उन्हीं उपलब्धियों का जश्न और उत्सव मनाने का भी दिन है। समाज के कमजोर और आशीय बड़े सबकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं किसानों मजदूरों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्णिया जिले में भी विभिन्न योजनाएं एवं कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके काफी सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है। कुल 220 पंचायतों को 2025 तक ओडीएफ प्लस घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में पूर्णिया शहर अंतर्गत भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है और विगत एक वर्ष में लगभग 230 योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन करने की कार्रवाई की जा रही है। शहर में पूर्व से स्थापित लगभग 15,000 स्ट्रीट लाइट के अलावा विगत एक वर्ष में 4,000 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। ट्रैफिक और जाम की समस्या के निजात के लिए 7 प्रमुख स्थलों पर ट्रैफिक लाइट्स भी लगाए गए हैं। जिला प्रशासन सजग है और लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत कुल 40,697 परिवार प्राप्त हुए थे जिसमें से 39,000 से अधिक परिवारों का निष्पादन किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रशासन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है और संवेदनशील है। पूर्णिया जिला जन्म पंजीकरण में लगातार 4 वर्षों से पूरे स्टेट में प्रथम स्थान पर है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भी जिले को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। ये सारे कार्यक्रम लोगों को सुविधा प्रदान करने और उनके जीवन को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत जो विभिन्न सेवाएं दी जाती हैं उसमें दाखिल खारिज में ही अकेले 4,14,509 आवेदन प्राप्त हुआ है जिसका समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन किया जा रहा है। समाज कल्याण अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमें जिले के 3,23,000 लाभुकों को प्रत्येक माह पेंशन की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। विगत 6 महीने में ही अकेले नए राशन कार्ड के प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत किया गया है जिसकी संख्या 18,565 है और इन नए लाभुकों को भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराई जा रही है। वन पेंशन वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना अंतर्गत सरकार के द्वारा यह व्यवस्था की गई है
कि किसी भी लाभुक के द्वारा देश के किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से खाद्यान्न का उठाव किया जा सकता है। इस व्यवस्था अंतर्गत पूर्णिया जिले के भी कई लाभुक अन्य राज्यों में भी खाद्यान्न का उठाव कर रहे हैं तथा इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल अंतर्गत हर घर नल का जल कुल 3354 वार्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें 5,82,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया गया है। लोगों को रोजगार देने में भी पूर्णिया जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य जो मनरेगा योजना अंतर्गत है 43,98,000 के विरुद्ध 50,03,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं और 1,25,000 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है। जल जीवन हरियाली योजना में भी 753 जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित किया गया है और 370 सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार किया जा चुका है। शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु भी पूर्णिया जिला प्रशासन अग्रसर है। हर एक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, उसके भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए BPSC द्वारा विगत कुछ महीनों में ही 5,508 शिक्षकों की नियुक्ति अतिरिक्त की गई है, जिनका पदस्थापन किया जा चुका है। जिले के 265 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन विहार अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम की अधिस्थापना तो की ही गई है, साथ ही साथ 44 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब की भी स्थापना की गई है, जहां बच्चों को कंप्यूटर आदि की शिक्षा दी जा रही है और नए तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 2,16,759 किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की राशि 3 समान किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। कल्याण विभाग द्वारा भी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 253 पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान किया गया है तथा 27 पीड़ितों को प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। महादलित समुदाय के लिए कुल 432 भवन सहवर्ग क्षेत्र का भी निर्माण किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुए हैं। सदर अस्पताल पूर्णिया को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है, जहां प्रतिदिन लगभग 450 पेशेंट्स एडमिट रहते हैं और लगभग 1500 के आसपास OPD की सुविधा लोगों को दी जा रही है। इस वर्ष से 23-24 से MBBS के 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति मिली है, जिसके अगेंस्ट 96 छात्रों का नामांकन किया गया है और उन्हें MBBS की पढ़ाई दी जा रही है। टेली मेडिसिन में भी ताकि लोगों को अनावश्यक अस्पताल न जाना पड़े, घर बैठे स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाए, टेली मेडिसिन में भी पूर्णिया जिले में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और राज्य में हम प्रथम स्थान में हैं लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने में। ये सब कार्य किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, उद्यम के विकास के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए अनेक नवीन प्रयोग किया जा रहे हैं, जिनके कारण सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है और अच्छे परिणाम भी आने प्रारंभ हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ इन सभी नवीन प्रयोगों से लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी और हम यहाँ के लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान कर पाएंगे। समस्याएं बहुत है, बहुत चीज़ों की चर्चा की जा सकती है, लेकिन एक ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है, तो हम संसाधनों को ऐसे खर्च करें और ऐसे प्रायोरिटाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीमित संसाधनों से हम कुछ लाभ उपलब्ध करा पाए। मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर अपने प्रयास से एक बेहतर समाज, एक बेहतर राज्य का निर्माण कर पाए
ताकि हम और हमारी भावी पीढ़ी अपने आप को बिहारी कहलाने में गर्व का महसूस करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पुनः नववर्ष और गणतंत्र दिवस की शुभकामना। निगरानी रखती है और पीड़ित महिलाओं की अन्य जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करती है। महिला हेल्प डेस्क है वो नेतृत्व में मदद करता जो स्वयं महिला हेल्प डेस्क है आपके साथ। पूर्णिया पुलिस है और परिंदे को भी बचाना है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में डायल 112। पूर्णिया पुलिस डायल 112 आपकी सेवा में तत्पर। अब बहुत हुआ, घरेलू हिंसा और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी डायल 112 पर फोन करके तुम्हें अरेस्ट करवाती हूँ। हेलो, डायल 112 से बोल रहे हैं? जी, स्वागत है। आप अपनी परेशानी बताएं। अब कोई महिला घरेलू हिंसा नहीं सहन करेगी, क्योंकि महिला हेल्प डेस्क महिलाओं की मदद करती है, नाबालिग बच्चियों पर विशेष निगरानी रखती है और पीड़ित महिलाओं की अन्य जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करती है। महिला हेल्प डेस्क है वो नेतृत्व में मदद करता जो सुरक्षित रखे समाज को। दिन हो या रात, धूप हो सुबह, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अब बहुत हुआ, अब मैं घरेलू हिंसा और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी डायल 112 पर फोन करके तुम्हें अरेस्ट करवाती हूँ। डायल 112 से बोल रहे हैं? जी, पूर्णिया पुलिस डायल 112 में आपका स्वागत है। आप अपनी परेशानी बताइए। अब कोई महिला घरेलू हिंसा नहीं सहन करेगी, क्योंकि महिला हेल्प डेस्क महिलाओं की मदद करती है, नाबालिग बच्चियों पर विशेष निगरानी रखती है और पीड़ित महिलाओं की अन्य जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करती है। महिला हेल्प डेस्क है वो नेतृत्व में मदद करता। स्वास्थ्य विभाग पूर्णिया के द्वारा भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के संबंधित झांकी प्रस्तुत की जा रही है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज देश के सभी सूचीबद्ध सर निजी अस्पताल में निःशुल्क करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग पूर्णिया के झांकी में प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही सभी NM के हाथ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का बारे में जानकारी। सलामी मंच की ओर से बढ़ते हुए नगर निगम की झांकी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि शहर की यातायात व्यवस्था को समुचित एवं जाम की समस्या से निवारण के लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एवं CCTV कैमरा की जांच एवं कंट्रोल लूप सिस्टम को दर्शाया जा रहा है। साथ ही शौचालय के मल से खाद बनाने संबंधी कार्ड एवं FSTP कार्ड को दिखाया जा रहा है। तो झांकी नगर निगम के द्वारा चौथी प्लास्टिक कचरे से मुक्त हो गांव हमारा। अब शहर की तहत हमारा गांव भी प्लास्टिक कचरे से मुक्त होगा। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत प्रखंडों में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण किया जा रहा है, ताकि घर घर से एकत्र किए जा रहे कचरे में से एकत्रित प्लास्टिक कचरे का सही निपटारा कर पुनः उपयोग किया जा सके। Thank you.
पूर्णिया जिला अंतर्गत दिसंबर 2023 में बीबीएमएस प्रस्तुत करना। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जल निबंधन एवं संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना है, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही बाल विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना। यह योजना बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने, संपन्नता पूर्वक जीवन यापन करने तथा कर जिले में बतंगी प्रखंड में नव निर्मित जीविका भवन को प्रस्तुत यहां किया जा रहा है। इस भवन का उपयोग जीविका दीदियों द्वारा अपने सामुदायिक संस्थानों में कार्यकलापों को सफल संचालन हेतु प्रशासनिक भवन के रूप में प्रयोग किया जाएगा और कुछ ही दिनों में सभी प्रखंड में इस प्रकार के भवन का निर्माण किया जाएगा। ये प्रखंड अगली झांकी है अग्निशमन विभाग द्वारा। इसका संदेश है, नशे को जो अपनाएगा पूरे जीवन वह पछताएगा, जहरीली शराब का नशा अनमोल जीवन की दुर्दशा। साथ ही जिला योजना विभाग के द्वारा संचालित जिला निबंधन सह परामर्श के कुशल युवा कंप्यूटर के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत आपको 24,000 रुपए दो साल में प्राप्त किए जाएंगे। ये सभी स्टूडेंट के लिए है। कृषि विभाग के द्वारा समेकित कृषि प्रणाली को दर्शाया गया है, जिसमें समेकित प्रणाली से कृषि उद्यमी की ओर है। कृषि में ड्रोन तकनीक का समावेशन भी दिखाया गया है इस झांकी में। साथ ही कृषि यांत्रिकरण के तहत और चौथा इसका जो टीम है वो है चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला। इसके तहत वो खेत में पहुँच के मिट्टी जांच करते हैं। कृषि विभाग द्वारा चार चीज को झांकियाँ दिखाई जा रही है। इस हाथ में
अधिकारियों से रामदास जी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मैं बुलाना चाह रही हूँ। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी अस्पताल की श्रेणी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल GMCH पूर्णिया को आयुष्मान भारत के मरीजों को बेहतर इलाज, निजी अस्पताल की श्रेणी में द्रौपदी नेत्रालय प्राइवेट लिमिटेड पूर्णिया को बीते अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक कुल 688 आयुष्मान भारत के मरीजों का निःशुल्क इलाज हेतु प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और एथलेटिक में प्रभाकर कुमार को शिक्षा विभाग से बेस्ट टीचर का अवार्ड जा रहा है। दिनेश पासवान जी को जोरदार तालियों से सभी का हौसला अफजाई। पंकज कुमार जी को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जा रहा है। अभी जितने भी हम लोगों ने रंग बिरंगिया सभी डिपार्टमेंट की झांकियां देखी है, उसमें प्रथम पुरस्कार पुलिस एवं शिक्षा विभाग को तृतीय पुरस्कार दिया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग एवं कृषि विभाग को। दूसरा अवार्ड जाता है नगर निगम पूर्णिया को। तो जिसमें 112 में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं पूरे बिहार में, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग को प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। BBM हाई स्कूल पूर्णिया को NCC BBM हाई स्कूल के 3 जिनकी परिचारी थी प्रिया कुमारी जी, पुरस्कार दिया जा रहा है। जिला महिला सशस्त्र बल परिचारी है अंकिता कुमारी। एक बार जोरदार तालियों से सुमित का हौसला अफजाई। अभी आपने देखा कि किस तरह से पूर्णिया के स्टेडियम में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। पूर्णिया के जो कमिश्नर हैं उन्होंने तिरंगा फहराया और पूर्णिया की उपलब्धियों के बारे में बताया। खास बात ये रही कि झांकियां भी निकाली गई और वैसे लोगों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने सड़क दुर्घटना में काफी अहम भूमिका निभाते हुए घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया था, तो वैसे लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ 112 जो पुलिस का सेवा है उसे प्रथम पुरस्कार झांकी के रूप में दिया गया है और शिक्षा विभाग को प्रथम यानी कि संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो निश्चित रूप से जिस तरह का मैसेज दिया गया है
कि अगर आप सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं तो जिला प्रशासन आपको न केवल प्रोत्साहित करेगा बल्कि आर्थिक रूप से सहयोग भी करेगा। तो निश्चित रूप में ये पहली मरतबा इस तरह का किया गया है और आने वाले दिनों में भी इस तरह का किया जाएगा। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है यहाँ से। कोशी आलोक के लिए स्टेडियम से मैं संजय कुमार।